हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिंकलर्स बेकरी। आई एम सोमा हियर। आज बनाने वाले हैं अमेजिंग सा स्वीट। इट इज़ बंगाली स्वीट तालचा स्वीटन। वेरी इजी और विथ फ्यू इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। 1.5 लीटर मिल्क ले लिए हैं, उसको हम लोग बॉइलिंग के लिए रखे हैं। इसका एक बॉइलिंग आ जाए हम लोग इसको गैस को ऑफ कर देंगे, ठीक है। हम लोग को इसे छना चाहिए, सॉफ्ट छना। मैंने आज छना बना रही हूँ विनीगर से। विनीगर और वाटर डाइल्यूट कर लिया है, 2 स्पून विनीगर एंड 2 स्पून वाटर। अच्छे से मैंने इसको डाइल्यूट कर लिया है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। गैस को हम लोग ऑफ कर लिया है, फ्लेम ऑफ कर दिया है। हिलाती रहे तो आप देखिए आपका चना अलग हो गया है, देखिए। और ये वाटर आ गया है, देखिए पूरा ग्रीन वाटर आ गया है। अभी हम लोग इसको छान लेंगे। हम लोग ने ऐसा छाननी ले लिए हैं और इसमें एक मलमल के कपड़ा रख दिया है, ठीक है। उसमें हम लोग अभी अपना चना छान लेंगे। अभी चना को हम लोग क्या करेंगे, ठंडा पानी से अच्छे से धो देंगे, ठीक है। जो हम लोग को हमने अभी विनेगर से हम लोग दूध को फाड़ा है, वो खट्टापन निकल जाएगा, ओके। धोना हो गया है। अभी अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा समय के लिए ठंडा होने के रखेंगे। ज़्यादा हम लोग को उसको रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग को इसका ठंडा हो जाए बस, वहाँ तक हम लोग इसको रखेंगे, ओके। चना ठंडा हो गया है तो हम भी ले लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, मसाज देंगे, ओके। चना को अच्छे से मसाज देंगे। पहले भी हम लोग स्वीट जब करते थे हम लोग इससे हम लोग को मसाज देना है, तो हम लोग को चना अच्छा से मसाजिंग हो जाएगा, ओके। जब तक हम लोग चना पूरा दाना दाना नहीं निकल जाता तब तक हम लोग उसको मसाज देंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे 8 मिनट्स तक अच्छे से इसको मल रहे थे चना को। तो देखिए हम लोग का अभी दाना दाना जो है रहता है चना का पूरा निकल गया है और पूरा एक फॉर्म में आ गया है। कैसी एक फॉर्म में आ रहा है। सो हम लोग का अच्छा से यहाँ पर मलना हो गया है। तो इस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो शुगर है मैं यहाँ पर ले रही हूँ, डेट पाम का जैगरी जो होता है वो लिया मैंने। आप यहाँ पे शुगर पाउडर शुगर से भी बना सकते हो, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना गुड़ देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे गुड़ से बना रही हूँ, आप यहाँ पे शुगर भी दे सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी होता है। और शुगर से बनाने से थोड़ा इलायची पाउडर दे दीजिएगा, देखिए एकदम अच्छा टेस्टफुल हो जाएगा। अब एक बार ये डेट पम का जो जागरी होता है उससे बना के देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर उसको लिक्विड फॉर्म में लिया है, आप यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में भी क्रश करके ले सकते हो, ओके। तो उसको हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा करके देंगे यहाँ पे। हम लोग देखेंगे कितना शुगर लगता है। मैं यहाँ पे पहले 1/2 कप दूंगी, ओके। अभी हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हम लोग को यहाँ पर डिजॉल्व हो जाएगा छना में। फिर हम लोग कुक करने के बाद कुक करते करते हम लोग को अच्छा से वो फॉर्म में आ जाएगा। हम लोग ने जैगरी को अच्छा से इसके साथ मिक्स कर लिया है, देखिए कैसे लिक्विड हो गया है, इज़न्ट इट। अभी हम इसको कुक कर लेंगे अच्छे से। अभी हम लोग इसको एक पैन में ले लेंगे जो अपने पास होगा, नॉन स्टिक होने से बहुत अच्छी बात है। इसको अभी हम लोग गैस में चढ़ा देंगे। ऑन कर लिया है, अभी लो टू मीडियम में इसको हम लोग कुक कर लेंगे, जब तक हम लोग का मिक्सचर पूरा एक साथ में ना हो जाए, ठीक है। अच्छे से इसको हम लोग कुक कर लेंगे। देखिए हम लोग ने यहाँ पे 5 मिनट्स तक लो टू मीडियम में हम लोग इसको कुक कर रहे हैं। लिक्विड पूरा ड्राई हो गया है ना। तो हम लोग का मतलब इंडिकेशन है मिक्सर हम लोग का रेडी होने जा रहा है। इस स्टेज में हम लोग यहाँ पे 1 टेबल यहाँ पे मिल्क पाउडर दे देंगे, 1.5, ठीक है। बस बहुत अच्छे से क्रीमी का टेस्टर आता है इसमें, इसको मिक्स कर लेंगे। मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, गैस को अभी हम लोग ऑफ कर देंगे। मिल्क पाउडर अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गया है। तो प्लेट में मिक्सर को निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम लोग इसका संदेश बनाएंगे, ये तो अभी हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे, सेंट डेट पकड़ सके उतना तक हो जाए फिर हम लोग इसका संदेश बनाएंगे। तो मिक्सचर ठंडा हो गया है, मतलब ठंडा मतलब कूल हो गया, हम लोग टच कर सकते हैं। तो इसको ना हम लोग तारचाज मोल्ड बोलते हैं।
ठीक है, आप सिंगल भी बना सकते हो, डबल भी बना सकते हो, बट डबल मैंने क्यों लिया है, बिकॉज हम लोग इसमें अंदर लिक्विड गुड़ जो जागिरी होता है वो भरने वाले हैं, उसको मैंने बोलता है जल भरा संदेश। ओके, जल भरा मतलब लिक्विड हम लोग जो अंदर डालेंगे, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, मैंने ऐसा ले लिया है, आप ऑनलाइन में भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्रीस करेंगे। ठीक है, तो घी से हम लोग अच्छे से इसको ग्रीस कर लेते हैं, तो जो हम लोग मिक्सचर डालेंगे हम लोग का जल्दी से वो अच्छे से निकल आए, क्लीनली वो निकल आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा घी ग्रीस कर लेते हैं। इसमें ना किशमिश हम लोग को डाला जाता है, ये वार्म वार्म ही करना है, तो ठंडा होने के बाद अच्छे से वो हम लोग का स्वीट तैयार हो जाएगा। मिर्च लगा है ऐसे ऊपर हम लोग इसको दे देंगे, अच्छे से उसको प्रेस कर लेंगे, उसको हम लोग थोड़ा इसमें अंदर डालेंगे, स्पेस चाहिए सेंटर एक थोड़ा हम लोग इसमें बनने वाले इसलिए। ओके, स्पेस करेंगे, ओके, इसको हम लोग अभी भर देंगे, बंद कर देंगे इसका जो एक्स्ट्रा है निकाल देंगे। सो इट इज़ रेडी, ऐसे करके बाकी का ही बना लेते हैं। आपके पास अभी आप सोच रहे हो आपके पास यहाँ पे मोल नहीं है, तो आप लोग कैसे करोगे, जैसे आप कटोरी ये सब भरते हो आलू का पराठा ऐसा, तो आप यहाँ पे भर के इसमें आप लिक्विड गुड़ जो होता है वो भर सकते हो। विदाउट मोल्ड भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मोल्ड है आप बना नहीं सकते हो, मोल्ड नहीं है तो इन दिस भी आप ये बना सकते हो। ठीक है, दक का मोल्ड है उसी में भी बना सकते हो। ठीक है, हम लोग थोड़ा यहाँ पे घी पहले ग्रीस कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा यहाँ से होल्ड करेंगे। इसको हम लोग बंद कर देंगे, एक्स्ट्रा जो है निकाल दीजिए, बन गया ना। तो हम लोग ऐसा करके अपना जब स्वीट बना लेते हैं, देखिए हम लोग का कितना अच्छा बन गया है हम लोग का स्वीट तालशाश। आप लोग भी ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, तो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिएगा। चना सॉफ्ट होनी चाहिए फर्स्ट थिंग, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा टांगने का जरूरत नहीं चना को, जस्ट उसका कूल डाउन होने के बाद आप उसको मलना स्टार्ट कर दीजिएगा अच्छे से मल के, जो शक्कर से बनाने चाहते हो या गुड़ से अच्छे से उसके साथ मिक्स करके फिर लो हीट में कुक कर लीजिए। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो इट, देखिए कितना अच्छा स्वीट बनेगा घर पे, फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, इंजॉय करिए। थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय।